जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, कैसे हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं। इससे पहले जो एक सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये टेंस आता है, इसका जो है वॉइस संभव नहीं होता है क्योंकि इनमें जो इंट्रांजिटिव के वर्ब्स ज्यादा होते हैं, तो इस कारण से जो इसमें जो इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज किया जा सकता है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो वॉइस नहीं निकलता है, वॉइस चेंज नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो सिंपल पास्ट का ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज ए वेयर प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स, इसका अगर हम चेंज करें तो इसका अगर पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो यह जाएगा ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होता है, तो यह जाएगा ए लेटर, ए लेटर। अब लेटर के साथ वाज लगे तो वाज लगा देंगे, उसके बाद ये रूट, अब ये तो रूट है भी टू, अब हमको लगाना है भीतरी, तो रूट का भीतरी हो जाएगा रिटर्न, ये रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न। अब जो प्रीपोजिशन लगाना है बाय, उसके बाद इसके सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा आई का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस मी, तो ये आई मी में बदल जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा ए लेटर वॉज रिटर्न बाय मी। उसके बाद अगर हम इसका भी बनाना चाहें तो बन जाएगा एप्पल्स, तो ये हो जाएगा एप्पल्स, एप्पल्स के साथ वेयर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, एप्पल्स वेयर एट का हो जाएगा ईटन, ये हो जाएगा ईटन। अब प्रीपोजिशन बाय लगेगा, दे का हो जाएगा देम, ये हो जाएगा देम, तो हो जाएगा एप्पल्स वेयर ईटन बाय देम, एप्पल्स वेयर ईटन बाय देम। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर नेगेटिव भी बनाना हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ेंगे, वाज के बाद नॉट जोड़ेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बना तो वाज को आगे कर देंगे। तो इस तरह से जो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी बनाना चाहे एक सेंटेंस से बना सकते हैं, अफर्मेटिव यदि हमें याद रहता है तो। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।